नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका स्टडी जोन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने बात की थी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, अनुपात और समानुपात की, और दोस्तों कुछ कंसेप्ट हमने समझे थे। तो दोस्तों उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और कुछ कंसेप्ट के बारे में आज और डिस्कस करते हैं। दोस्तों बात करते हैं आज के हमारे पहले कंसेप्ट के बारे में। तो दोस्तों अपन की क्वेश्चन दे रखा है कि यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 हो, बी अनुपात सी बराबर 3:4 हो और सी अनुपात डी बराबर 6:7 हो, तो अपन को ज्ञात करना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना होगा। तो दोस्तों इसको समझते अपन, इसको समझने के लिए दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अपन ने लिख दिया, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, ए अनुपात बी के नीचे 2:3 लिख दिया, बी अनुपात सी के नीचे दोस्तों 3:4 लिख देंगे और सी अनुपात डी के नीचे दोस्तों 6:7 लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, ये तीन हैं, ये मान लो ये इसका घर है और इसके घर के साइड में दो प्लॉट खाली पड़े हुए हैं, एक तो ये वाला प्लॉट और एक ये वाला प्लॉट, सी के नीचे वाला प्लॉट और डी के नीचे वाला प्लॉट खाली पड़ा है। तो इस सी ने इस बी ने क्या किया है, इस दोनों प्लॉटों पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। कब्जा कर लिया मतलब यहाँ पर भी 3 आ जाएगा और यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट दोस्तों, अपन समझ रहे हैं, अच्छे से समझना, मज़ा आ जाएगा दोस्तों। ये 4 है इसके, इधर एक प्लॉट खाली पड़ा है तो ये इस पर क्या कर लेगा, कब्जा कर लेगा, तो इधर 4 आ गया दोस्तों। इधर 3 के इधर एक प्लॉट खाली पड़ा है तो इस पर ये कब्जा कर लेगा, इधर क्या गया, 3 आ गया। ये तोड़िए दोस्तों कि प्लॉट इधर खाली पड़ा है, दूसरों का आगे कब्जा कर लेने देगा, पास के पास ही कब्जा करेगा, ये ध्यान रखना। यहाँ पे 6 दोस्तों, इसके इधर 2 प्लॉट खाली पड़े हैं तो इन दोनों प्लॉटों पर ये कब्जा कर लेगा, ठीक है दोस्तों। ये तो बात होगी अपने कब्जे करने वाली। अब दोस्तों करेंगे क्या, अब दोस्तों मान लो ये 2 है तो 2 इन सब में कॉमन आ रहा है क्या, मतलब 2 सबसे कट सकता है कि ये अपन बात करेंगे। तो दोस्तों मान लो यहाँ से 2 काट दिया, यहाँ से 2 से ये 6 को काट दिया, 3 बार कट गया। यहाँ से 4 को काट दिया दोस्तों, 2 बार, किसी को भी काट सकते हैं, 6 को भी काट सकते हैं, लेकिन एक ही टर्म को अपन को काटना है, ठीक है दोस्तों। अब इस 2 से ये 4 को काट दिया 2 बार, तो जो कट सकता है, जो कॉमन आ सकता है उसे अपन काट सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब और कट रहा है कि दोस्तों ये 3 से काट के देखते हैं, ये 3 यहाँ पे आ रहा है, ये 3 यहाँ पे भी आ रहा है, ये 3 यहाँ पे भी आ रहा है और ये 3 यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है दोस्तों। जो कॉमन आ रहा है उसे अपन काट सकते हैं। अब ये कट गया, यहाँ क्या बचा दोस्तों, केवल 6 बचा। अब कट रहा है क्या कहीं, अब 2 कट रहा है, सब में से कटना चाहिए, इसमें से नहीं कट रहा। अगर मान लो 2 से इसे काटे तो ये कट जाएगा, लेकिन इसमें से नहीं कट रहा, तो अपन आगे नहीं काट सकते, क्योंकि कटे तो सब में से कटना चाहिए, नहीं तो अपन नहीं काट सकते। अब दोस्तों इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ क्या बचा, 6 बचा, 6 लिख दिया। यहाँ क्या बचा, 3 दिया 9, यहाँ 2 और 6 बचा, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 × 2 = 12, यहाँ 2 और 7, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 2 = 14। तो दोस्तों ये अपना आंसर आ जाएगा किसका, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, 6:9:12:14। एक बार और समझते हैं दोस्तों इसे, अपन ने क्या किया, पहले तो जो प्लॉट खाली दिखे उस पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे दोस्तों कि जो भी कॉमन आ रहा है, जैसे 2 से ये सारों में चीज़ कट सकते हैं, 2 अपन से अपन ने काट दिया, यहाँ 2 कट गया, यहाँ 3 × 2 = 6 बार कट गया, 2 × 2 = 4 बार कट गया, यहाँ 2 × 2 = 4 बार कट गया। अब दोस्तों 3 से काटने की बारी है तो 3 सब में आ रहा है, 3 सब में आ रहा है तो सबसे 3 काट दिया। अब दोस्तों मान लो अब क्या कट रहा है, 2 इसमें आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, लेकिन 2 इसमें नहीं आ रहा, 2 इससे नहीं कट सकता, या 3 भी नहीं कट सकता और या 3 भी नहीं कट सकता, इसलिए सबसे नहीं कट रहा तो अपन आगे नहीं काट सकते। वहाँ तक काट सकते हैं जहाँ तक सब में क्या रहा हो, कॉमन आ रहा हो। फिर कटने के बाद आपस में क्या करेंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या जाएगा पास, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। बहुत ही शानदार कंसेप्ट है दोस्तों। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे कंसेप्ट अपना और अच्छे से क्लियर रहे, तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि ए अनुपात बी बराबर अपन को दे रखा है 3:5, बी अनुपात सी बराबर दे रखा है दोस्तों 7:4, डी अनुपात सी बराबर दे रखा है दोस्तों 2:3, तो वही अपन को फाइंड आउट करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। बात करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन की। तो दोस्तों सबसे पहले तो क्या करेंगे, वही ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, इसके नीचे अपन ने लिख दिया, ए अनुपात बी के स्थान पर लिख दिया 3:5, बी अनुपात सी के स्थान पर लिख दिया दोस्तों 7:4। अब दोस्तों यहाँ पे डी अनुपात सी है और अपन को लेना है सी अनुपात डी, तो क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 3:2,
अब दोस्तों यहाँ पाँच के इधर दो प्लॉट खाली है, दोनों प्लॉट अभी कब्जा कर लेगा तो यहाँ पे भी पाँच आ जाएगा और यहाँ पे पाँच देगा। चार के इधर एक प्लॉट खाली है तो ये कब्जा कर लेगा, यहाँ चार आ जाएगा। सात के इधर एक प्लॉट खाली है, यहाँ सात कब्जा कर लेगा। तीन के इधर दो प्लॉट खाली है तो दोनों प्लॉट पर कौन कब्जा कर लेगा, तीन कब्जा कर लेगा। अब दोस्तों ये तो कब्जे वाली बात हो गई, बात करते हैं कैसे किस प्रकार से बने इसे काट सकते हैं। तो दोस्तों तीन इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, लेकिन इसमें तीन नहीं आ रहा तो दोस्तों ये तीन से नहीं कट सकता। बात करें सात की तो सात इसमें आ रहा है लेकिन इन दोनों में सात नहीं आ रहा तो दोस्तों ये भी नहीं कट सकता। तो तीन ऑलरेडी अपन चेक कर चुके, तो दोस्तों ना तो तीन कॉमन आ रहा ना सात कॉमन आ रहा तो ये कट नहीं सकता, ये नहीं कट सकता दोस्तों। तो इनको आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो तीन तिया नौ सत्ते तिरसठ 63, सात तिया 21 और पंजे सात पंजे 35, 35 इंटू 3 70 105 आ गए अनुपात। चार तिया 12 पंजे 60, चार दो 8 पंजे 40, तो अनुपात आ गया दोस्तों ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान आ गया अपने पास 63 अनुपात 105 अनुपात 60 अनुपात 40। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये कंसेप्ट समझ में जरूर आ गया होगा अपन को क्या करना है। जो भी प्लॉट खाली देखिए उस पर कब्जा कर लेना, जो कॉमन आ रहा है उसे काट दो, कॉमन नहीं आ रहा तो आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। वही क्या जाएगा दोस्तों ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगले कंसेप्ट की। तो अगला कंसेप्ट है दोस्तों अपन को दे रखा है, पहला बात दे रखी है 2a बराबर 3b। तो अपन से पूछा है कि a अनुपात b क्या होगा। सेकंड दे रखा है दोस्तों अपन को कि 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो एक बार तो अपन को दे दिया कि 2a बराबर 3b है तो a अनुपात b ज्ञात करो, और एक बार अपन को दे दिया 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करो। तो दोस्तों जब भी कोई दो संख्या आपस में बराबर आ जाएगी और उनके बीच अपन को अनुपात निकालना हो तो दोस्तों डायरेक्ट कंसेप्ट है a अनुपात b क्या होगा, इसका कोफिशेंट उल्टे सुलटे कर दो। a के आगे दो आ रहा है तो इसके b के नीचे ले जाओ, और b के आगे तीन आ रहा है तो इसको a के नीचे ले जाओ। तो a अनुपात b कितना जाएगा दोस्तों, 3:2। एक तरीका तो यह है दोस्तों, जब दो संख्या आ जाओ तो सबसे बेस्ट यही है, इनके कोफिशिएंट को क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो, उल्टे सुलटे कर दो। वही क्या हो जाएंगे, ए अनुपात बी का मान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, या फिर इन दोनों का एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6। अब 6 में 2 का भाग देंगे तो कितना जाएगा, 3, और 6 में 3 का भाग देंगे तो कितना जाएगा, 2। तो इस प्रकार से अपन ए अनुपात बी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों दो संख्या आ जाए तो सबसे बेस्ट यही है कि इनकी कोफिशिएंट क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो, उल्टे सुलटे कर दो। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों जब तीन संख्या आपस में बराबर आ जाए और उनके बीच अपन को अनुपात का रिलेशन निकालना हो तो क्या करेंगे दोस्तों, इन तीनों का अपन एलसीएम ले लेंगे। इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, इन तीनों का एलसीएम आ गया 12। अब इस एलसीएम में दोस्तों 12 में 2 का भाग देंगे, 12 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। फिर 12 में 3 का भाग देंगे दोस्तों कितनी बार जाएगा, 4 बार। फिर दोस्तों 12 में 4 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू आएगी दोस्तों 6:4:3। इस प्रकार से अपन अनुपात ज्ञात कर सकते हैं जब तीन संख्या आपस में बराबर हो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं अपन अगले कंसेप्ट की। एक क्वेश्चन और लेते हैं दोस्तों कंसेप्ट के लिए, जैसे अपने पास आगे मान लो 3a बराबर 2b बराबर 12c, तो इसमें अपन को क्या याद करना है दोस्तों, वही a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले वही इनका एलसीएम लेंगे अपन, इनका एलसीएम कितना आ गया, वही 12, 2 और 3 और 12 का एलसीएम 12। 12 में 3 का भाग दिया दोस्तों कितना आ गया, 4। 12 में 2 का भाग दिया दोस्तों कितना आ गया, 6। 12 में 12 का भाग दिया दोस्तों कितना आ गया, 1। तो 4:6:1 किसके लिए जाएगी दोस्तों, ए अनुपात बी अनुपात सी की। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अगले कंसेप्ट की। तो दोस्तों अगले कंसेप्ट की बात करते हैं, अगले कंसेप्ट हम उनको दे रखा है, यदि a का
37 सही 1/2% बराबर है बी का 1.5 बराबर है सी का 8 सही 1/3%। तो ए अनुपात बी अनुपात सी के वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे अपन क्या करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अच्छे से समझना दोस्तों। सबसे पहले तो इस परसेंट को अपन हटा देंगे, का मतलब होता है इनटू, क्या होता है इनटू, ठीक है दोस्तों। इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 37 दुगुना 74 और 1 75/2 और परसेंट का मतलब होता है दोस्तों 1/100, क्या हो गया परसेंट का मतलब 1/100। इधर बी का मतलब इनटू, इस पॉइंट को बताएंगे दोस्तों नीचे बटा में क्या जाएगा 10 बराबर सी का मतलब इनटू 8 या 24 और 1 25/3 और परसेंट का मतलब 1/100। यहाँ 1/100 क्यों नहीं किया दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे परसेंट नहीं है। अब दोस्तों इसको अपन काटते हैं, पहले सरल भिन्न में चेंज कर लेते हैं, 3 25 के 75 और 4 25 के 100, तो ये आ गया दोस्तों ए इंटू 3/8। इसको आपस में मल्टीप्लाई करें, बी इंटू इसको 5 से काटा तो 3 बार और ये 2 बार, तो बी इंटू 3/2 बराबर ये 1 25 के 25 और 3 4 25 के 100, तो ये आ गया दोस्तों सी इंटू 1/12। तो सबसे पहले तो दोस्तों जो भी अपन को दे रखा है उसको अपन ने सरल भिन्न में चेंज कर लिया, सिंपल भिन्न में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है दोस्तों। अब अपन को क्या करना है दोस्तों, जो भी संख्या यहाँ आ रही है 3/8 आ रहा है तो इसका उल्टा कर देना, 3/8 का उल्टा क्या होगा दोस्तों 8/3, कितना होगा 8/3। इसी प्रकार दोस्तों 3/2 का उल्टा कितना होगा, 3/2 का उल्टा होगा 2/3 और 1/12 का उल्टा क्या होगा दोस्तों 12/1। अब क्या करना है दोस्तों, उल्टा करने के बाद अपन को हर में एक संख्या लानी है, एक समान संख्या लानी है, यहाँ पे भी 3 है यहाँ पे भी 3 है, तो यहाँ पे भी हर में अपन को 3 लाना है, यानी हर क्या करना है एक समान करना है। तो हर एक समान करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ कितना हो गया दोस्तों 12 3 36 और नीचे बटा में क्या गया 3। अब दोस्तों बटा में तीनों सेम संख्या होगी, हर में एक समान संख्या होगी, तो जो ऊपर की संख्या है उनको आपस में लिख देंगे 8, यहाँ पे क्या है 2 और यहाँ पे क्या है 36। अब दोस्तों इनको काट देंगे अपन, तो 2 से कट रहा है ये 4 2 8, ये 1 2 2, 4:1 दोस्तों किसका, ए अनुपात बी अनुपात सी का। तो दोस्तों बहुत ही शानदार कंसेप्ट है ये, जब अपन को संख्या इस प्रकार से दे रखी हो, ठीक है दोस्तों। तो प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे हमारा कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन है दोस्तों अगला अपने पास, यदि ए का 30% बराबर है बी का 0.75 बराबर है सी का 1/4, तो वही ज्ञात करना है उनको ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अपन सबसे पहले इस चैप्टर के कंसेप्ट समझ लेते हैं कि किस प्रकार के कंसेप्ट अनुपात समानुपात में होते हैं, उसके बाद अपन वन बाय वन क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल बेसिक लेवल से हाई लेवल तक, ताकि किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम उनको कंपटीशन एग्जाम के अंदर ना आए, ठीक है दोस्तों। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की दोस्तों, वही ए का मतलब इंटू 30% को हटाएंगे दोस्तों तो 1/100 यानी 30/100 बराबर बी इंटू दोस्तों यहाँ पे पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 75/100 हो जाएगा, तो सी इंटू यहाँ पर कितना है दोस्तों 1/4। इसको काटेंगे दोस्तों तो यहाँ कितना गया 3/2, इसको काटे दोस्तों 3 25 के 75 और 4 25 के 100, ठीक है दोस्तों। तो ये तो अपन ने सरल भिन्न में चेंज कर लिया, सिंपल भिन्न में इसे कन्वर्ट कर लिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, सरल भिन्न में कन्वर्ट करने के बाद इसको उल्टा करेंगे, तो यहाँ 3/10 है तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 10/3, यहाँ पे 3/4 है दोस्तों तो यहाँ कर देंगे अपन 4/3, यहाँ पर 1/4 है दोस्तों तो यहाँ पर कर देंगे 4/1। अब दोस्तों इसके बाद करेंगे हर में एक समान संख्या लाएंगे, तो दोस्तों यहाँ पे हर में 3 आ रहा है यहाँ पे 3 आ रहा है लेकिन यहाँ पे 1 आ रहा है, तो यहाँ पे हर में 3 ला लेंगे, क्या करेंगे ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ 4 3 12 और बटा में 3। दोस्तों हर में एक समान संख्या आ गई, हर में एक समान संख्या आ गई, तो ऊपर वाली संख्या को लिख देंगे अपन, यहाँ पे 10 यहाँ पे 4 और यहाँ पे 12 और ये वापस में कट रहे हो तो और काट देंगे, 2 से कट रहा है ये 2 बार
ये 5 बार और ये 6 बार, तो 5:2:6 किसका माना गया दोस्तों, ए अनुपात बी अनुपात सी का। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन किसी भी संख्या का आपस में अनुपात निकाल सकते हैं जब संख्या आपस में क्या हो, बराबर हो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं अपन अगले कंसेप्ट की, तो हम आगे चलते हैं। तो अगला कंसेप्ट है दोस्तों अपने पास, अपन को दे रखा है यदि ए अनुपात बी प्लस सी का अनुपात दे रखा है अपन को 2:3, और दोस्तों बी अनुपात ए प्लस सी का अनुपात अपन को दे रखा है 3:7, तो वही अपन को फाइंड आउट करना है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे अच्छे से समझना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसमें क्या कर रखा है, बी अनुपात ए प्लस सी का अनुपात अपन को दे रखा है और ए अनुपात बी प्लस सी का अनुपात अपन को दे रखा है। दोस्तों मान लो यदि कोई अनुपात अपन को दे रखा है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी मान लो अपन को दे रखा है 1:2:3, तो इनका समेशन अगर अपन करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आएगा, 3×2=5=6। तो दोस्तों यहाँ पर भी अनुपात का योग क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। यहाँ पर अपन ने अनुपात का योग किया दोस्तों, तो 3+7 कितना आ रहा है, यहाँ पर तो आ रहा है 10, और यहाँ पे दोस्तों ए अनुपात बी अनुपात सी का योग किया तो यहाँ आ रहा है 5। तो अनुपात क्या रहा है, अलग अलग आ रहा है, अनुपातों का योग क्या रहा है, अलग आ रहा है। तो दोस्तों इस केस में सबसे पहले तो अपन को अनुपातों का योग क्या आना चाहिए, समान करना है, समान नहीं आ रहा हो तो दोस्तों यहाँ पे तो 10 आ रहा है और यहाँ पे 5 आ रहा है, तो यहाँ पे भी 10 लाने के लिए इसको क्या करेंगे दोस्तों, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों ये दोनों संख्या किससे मल्टीप्लाई होगी, 2 से मल्टीप्लाई होगी। तो ए अनुपात बी प्लस सी का अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2×2=4 और 3×2=6। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे क्या है, बी अनुपात ए प्लस सी बराबर 3:7। तो दोस्तों यहाँ पे ए है और यहाँ पे कितना है 4, तो 1 का मान तो कितना हो गया, 4 हो गया। ए तो किसके बराबर हो गया, 4 के बराबर। यहाँ कितना है दोस्तों बी, और यहाँ बी किसके बराबर आया, 3 के, तो बी बराबर हो गया दोस्तों 3। और योग कितना है दोस्तों, योग 10 है, तो 4 और 3=7, और जो बचा वो क्या हो गया, सी हो गया। तो 10 में से 7 जाएंगे दोस्तों, तो कितना बचेगा, 3। तो दोस्तों ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना गया, 4:3:3। तो इस प्रकार से दोस्तों अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यानी इस प्रकार से अपन अनुपात फाइंड आउट कर सकते हैं जब इस प्रकार की फॉर्म में अपन को अनुपात दे रखे हो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एक क्वेश्चन और कर लेते हैं दोस्तों, जिससे हमारा कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन अपन को दे रखा है, ये दे रखा है दोस्तों बी अनुपात ए प्लस सी की वैल्यू अपन को दे रखी है 3:4, और ए अनुपात बी प्लस सी की वैल्यू अपन को दे रखी है 5:9। तो वही अपन को ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पे योग किया अपन ने, तो 4 और 3=7 कितना रहा है, 7 आ रहा है, और यहाँ पे 9 और 5 कितना रहा है, 14 आ रहा है। तो यहाँ पे भी 14 बनाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 6, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 8, और यहाँ पे 5:9। ये किसका मान आया दोस्तों, बी अनुपात ए प्लस सी का, और ये किसका है, ए अनुपात बी प्लस सी का। तो ए तो किसके बराबर आ गया दोस्तों, ए अनुपात बी अनुपात सी, ए तो किसके बराबर आ गया, 5 के बराबर आ गया। बी किसके बराबर आ गया दोस्तों, 6 के बराबर आ गया, और 6 और 5=11, और 14 में से 11 जाएंगे तो दोस्तों कितना जाएगा, 3। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना जाएगा, 5:6:3। तो दोस्तों ये कुछ कंसेप्ट थे अपने चैप्टर के, जो कि इस चैप्टर में बहुत ही काम आएंगे होंगे, आशा करता हूँ आपको ये समझ में ज़रूर आए होंगे। फिर भी आपको कहीं ना कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करो, हम आपकी समस्या का समाधान करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज की हमारी क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, इसके आगे का प्रोसेस अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी क्लास पसंद आ रही हो तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, जय हिंद जय भारत।